अक्टूबर का महीना, मैं शंकर हूँ, और अक्टूबर का महीना मोटा मोटा हर राशि के लिए कैसा रहेगा उसको बताने की कोशिश करूंगा। जरूरी नहीं कि जो मैं बताऊँ वो सब सही हो, क्योंकि आपके जन्मपत्री का बहुत महत्व, मगर हाँ वो चीज़ें हो सकती हैं, वो कम हो ज़्यादा हो, डिपेंडिंग विल डिपेंड ऑन बहुत सारी चीज़ें आपके हर। सो दीज आर बेसिकली आपको एक ट्रेंड, एक दिशा देती हैं। तो ये अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा, हम एरी से शुरू करते हैं, जो कि हमारा 21 मार्च से 21 अप्रैल तक होता है जो मून साइन। और इसके अंदर मेरे हिसाब से आपको जो ध्यान रखना चाहिए वो अपने पैसों का ध्यान रखना चाहिए, खर्चे का ध्यान रखना चाहिए। प्रॉपर्टी मत बेचिएगा, प्रॉपर्टी बेचिएगा उसमें नुकसान होगा आपको। इन द सेंस कि एंड ऑफ द मंथ में कुछ लग्जरीज का लॉस होगा। वैसे अभी महीना जो है वो बच्चों के लिए अच्छा होगा, बच्चे अच्छे करेंगे, आपको भी एक तरह का वो मिलेगा, आप क्या कहते हैं, प्रसन्नता मिलेगी। ये महीना आपके दुश्मनों को मारने के लिए और नौकरी के लिए दोनों के लिए अच्छा रहेगा। आपको एग्रेशन ज़्यादा बढ़ेगा आपके अंदर, मगर 16 अक्टूबर के बाद, 16-17 अक्टूबर के बाद ध्यान रखिएगा। मैरिजेस में इनके प्रॉब्लम में बढ़ सकती है, पार्टनरशिप्स में प्रॉब्लम है वो बढ़ सकती है। स्पेशली 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक बहुत रिलेशनशिप्स एंड पार्टनरशिप्स में प्रॉब्लम होगी। इट इज़ अ अच्छा पीरियड है आपके उसके लिए, इंक्रीज इन योर फॉर्च्यून, फॉर्च्यून और ट्रैवल के लिए अच्छा टाइम है। प्रोफेशन के लिए भी ठीक समय है, और मतलब प्रोफेशन के लिए बल्कि अच्छा समय, अच्छा चलेगा। तो जो नौकरी में उनके लिए अच्छा चलेगा, जो पार्टनरशिप बिजनेस में, उनको 16 अक्टूबर के बाद ध्यान रखना चाहिए। टॉरस 21 अप्रैल से करीब करीब 21 मई तक होता है, तो जैसे वृषभ भी कहते हैं, वृषभ राशियों के लिए इस टाइम आपके मनोबल बहुत बढ़ेगा, आपको लगेगा कुछ ऐसा कर जाएं जो दूसरे कोई कर नहीं पाते हैं। आपके लिए इस टाइम अच्छा है कि प्रॉपर्टी खरीदना अच्छा है, प्रॉपर्टी बेचना अच्छा नहीं है। अगर आप प्रॉपर्टी में कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी खरीदिए, प्रॉपर्टी बेचिए नहीं, प्रॉपर्टी बेचने में लॉस रहेगा। आपके कुछ काम जो होंगे, जो होने वाले हैं, वो शायद रुक जाएंगे, आपको लगेगा मेरे क्यों नहीं हो रहे, रुक जाएंगे। अपना सेहत का भी ध्यान रखिए। ये समय ऐसा है कि आपके बच्चों के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली 16 अक्टूबर के बाद बच्चों का 15-20 दिन बच्चों के लिए बहुत ध्यान रखिए, उनका उनके उन पर ज़रा फोकस करिए तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे ये टाइम आपके लिए रिलीजन के लिए और भजन गाना, गुरु के पास जाना, ये सब करने के लिए अच्छा समय है। और आपके जो परिवार में बीबी के परिवार के जो लोग होंगे उनमें मतलब कुछ ना कुछ अच्छा कार्यक्रम, कुछ खुशहाली, कुछ अच्छी चीज़ हो सकती है, कुछ अच्छी चीज़ हो सकती है, पक्की बात है ये। और इन द सेंस कि इट इज़ अ गुड पीरियड एज फार एज योर आपका जो लक है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, शुरू होगा, आपको लगेगा चीज़ें अब ठीक होने लगी हैं और आगे बढ़ने लगी हैं। मतलब ये मतलब है, जो एक चीज़ का ध्यान रखना है वो है अपने बच्चों के लिए, आप ध्यान रखिए उनके हेल्थ के लिए और उनके आगे बढ़ने के लिए। फिर हम मिथुन पे आ जाते हैं। मिथुन है 22 मई से 21 जून तक। मिथुन में ये रहेगा कि आपके जो विदेश जाने वाले जो लोग हैं उनके लिए अच्छा रहेगा, पैसा बाहर से आने के लिए अच्छा रहेगा, विदेश वालों से आपका परोपकार बढ़ेगा। आपके पास आप सोचेंगे कि अपने घर को सुंदर बनाओ, अच्छा बनाओ, ठीक करो, और ये सब चीज़ों की आपकी सोच चलेगी, मगर होगा नवंबर के महीने में इन सब चीज़ों की सोच। इस टाइम आपके जो अगर आपकी मित्रता है, लव अफेयर है, तो इसमें आपका अगर आप इसको चाहते हैं और उससे आप प्रपोज करना चाहते हैं तो ये अच्छा टाइम है। घर के अंदर जो बड़े बूढ़े हैं उनके लिए आप थोड़ा ध्यान रखिए, घर की मानसिक शांति के लिए थोड़ा ध्यान रखिए उस 16 अक्टूबर के बाद, बल्कि मानसिक शांति और घर के लिए ध्यान रखिए। आपके प्रोफेशन के लिए जो है ये अच्छा समय है, प्रोफेशन में बल्कि आप अच्छा करेंगे और अच्छी चीज़ें आपके पास आएंगी। इन द सेंस कि आपके जो प्रोफेशन के लिए है आपको एक ऐसा लगेगा कि मतलब अच्छी चीज़ें जो होने वाली थी वो रुक गई हैं, जो पिछले अभी आई थी आपके पास, और अभी जो आई थी पिछले महीने
इस महीने आपको लगेगा रुकावट आ रही है उनमें, तो आप घबराइए मत, क्योंकि इन द सेंस कि लक आपके साथ है, तो धीरे धीरे वो आपका ठीक हो जाएगा। मगर इस महीने प्रोफेशनल चीज़ें जो उन्नति आपको लग रही थी पिछले महीने जो होने की थी, इस महीने उसमें एक रुकावट सी आएगी। तो मेरे हिसाब से अपने घर की सुख शांति, घोड़ा घाड़ी, ये सब चीज़ों पर इन्वेस्टमेंट मत करिए, और घर की सुख शांति एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसको आप देखिए। प्रोफेशन में थोड़ा धीरज रखिए, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और बाकी आपके जो सोचने की शक्ति है, और जो लोग पीछे बैठ के काम करते हैं, कंप्यूटर कम्युनिकेशन, जो कि स्ट्रेटजी बनाते हैं पीछे बैठ के, कूटनीति राजनीति इकोनॉमिक्स करें, उनके लिए समय काफ़ी अच्छा समय है। अब हम इसको करके देखेंगे 22 जून से 22 जुलाई तक। तो इसमें मेरा यह है कि आपका समय अच्छा है, पैसा कमाने का टाइम है, आपको योजनाएं बनाना चाहिए पैसे कमाने के लिए। दोस्त यार रिलेटिव्स के साथ आपका जो समय इस महीने आपको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। कुटुंब में कुछ अच्छे कार्यक्रम भी होंगे, कुछ ऐसी चीज़ होगी जिससे आपको अच्छा लगेगा, जैसे शादी भी हो सकती है, कोई अच्छा गेट टुगेदर भी हो सकता है, ऐसे सब चीज़ें होंगी जिसमें आपको एक गुड फील आएगा, कुछ ये नहीं होगा गुड फील आएगा। मगर अगले महीने अपने आप को थोड़ा ध्यान रखिएगा, जब आप लोगों से अपना बातचीत करेंगे आपको धोखा मिलने की बहुत चांसेस, अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स वगैरह की तरफ थोड़ा ध्यान रखिएगा। और ये बात ये है कि इसमें ये भी है कि आप अपने जो घर का जो वातावरण है उसके लिए यहाँ पर भी मेरे हिसाब से आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, और गाड़ी घोड़ा घर का आपको ठीक कराना या प्रॉपर्टी खरीदना, इन सब चीज़ों को एक महीने के लिए थोड़ा टाल देना चाहिए, तो उसमें अच्छा रहेगा। बीमारी होने के दूर रहिएगा, बीमारी होने के काफ़ी चांसेस हैं, और इस महीने आपको बीमारी और आपके दुश्मन आएंगे, मगर आप उन पर नियंत्रण पा सकेंगे, उनका नियंत्रण आप आराम से कर लेंगे। बिजनेस वालों के लिए बहुत अच्छा टाइम है, जो आदमी बिजनेस में, आप देखेंगे कि आपके दो तीन चार महीने से चीज़ अच्छी नहीं है, वो चीज़ें सुधरने लगेंगी और आगे बढ़ने लगेंगी चीज़ें, तो उस तरीके से बिजनेस के लिए ये अच्छा समय है। जहाँ तक आपका बिजनेस चलेगा, मगर आपको जो लक जिसे कहते हैं, एक फॉर्च्यून हो कि आपने छुआ और वो चीज़ सोना बन गई या आपकी चीज़ जल्दी हो गई, वो एक किश्चित रहेगा, और उसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो बिजनेस अच्छा रहेगा। जहाँ तक फॉर्च्यून है वो थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, और अपना जो इस महीने तो आप अच्छे रहेंगे, आपके अच्छे कार्यक्रम होंगे, अगले महीने थोड़े से रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से ध्यान रखिएगा, घर के वातावरण को नियंत्रण में रखिएगा, अगर आपकी माता जी हैं या पिताजी हैं उनकी तबीयत इत्यादि का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद अपना हमारा सिंह लियो रहता है, जो है 23 जुलाई से 21 अगस्त तक। इसमें मेरे हिसाब से ये समय अच्छा है, इस समय आपको लगेगा कि मैं अपने आप को स्मार्ट बनाऊँ, अपने आप को थोड़ा मतलब पतला करूँ, सरकार से मतलब जाके बातें करूं, बच्चों के साथ थोड़ा वक्त आप ज़्यादा बिताएंगे, स्पेकुलेशन में भी आप थोड़ा ध्यान करेंगे, मतलब अपने आप को कुछ आराम की चीज़ें अपने लिए खरीदेंगे, ये चीज़ में दिख रही है। मगर अगले महीने ये ध्यान रखिएगा कि पैसे आप निवेश इस महीने उसके बीज बन जाएंगे, तो जो पैसा अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो पैसा मन निवेश करेगा अगर आप अगले महीने उसको निवेश करने जा रहे हैं। और दूसरी बात यह कि अगर फैमिली में कुछ आप डिसीशन ले रहे हैं उसको भी इस महीने मत करके अगले महीने करिए, कि दिसंबर के महीने में उसमें एक्शन लीजिए, नवंबर का महीना ये आपका फैमिली के लिए अच्छा नहीं रहेगा, तो हर चीज़ के उसके सीड्स अभी अक्टूबर में पड़ जाएंगे, तो फैमिली और इन सब चीज़ें नवंबर में थोड़ा ध्यान रखिएगा, फैमिली का वातावरण, हालांकि अभी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तीसरी बात यह है कि अपने रिलेटिव फ्रेंड्स, छोटे भाई का सेहत का ध्यान रखिएगा, वो मेरे को ठीक नहीं लगती, जिनके छोटे भाई बहन हैं उनको प्रॉब्लम रहेगी, काफ़ी तरह तरह की प्रॉब्लम रहेगी। आपको अगर बिजनेस में, पार्टनरशिप्स में या शॉर्ट ट्रैवल्स में 16 के बाद 15-20 दिन अवॉइड करिए, उसमें कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। डोमेस्टिक पीस में कुछ मेरे को प्रॉब्लम लग रही है, तो वो ध्यान रखिएगा। बच्चों के लिए बहुत अच्छा टाइम है,
जहाँ तक आपके दुश्मन का टाइम है, डिजीजेस, डेट्स, तो इन तीनों चारों चीज़ों के लिए भी समय बहुत अच्छा है। आप दुश्मनों पर नियंत्रण कर लेंगे, आपका नौकरी में अच्छा रहेगा, नौकरी वाले नौकरी पेशों के लिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा, ये निश्चय है, उसमें अच्छा रहेगा और काफ़ी ठीक से आप आगे बढ़ेंगे। अपने आप को थोड़ा सा एक्सीडेंट से बचा के रहिएगा, थोड़ा सा आगे लोहे की चीज़ें इन सब से बचा के रहिएगा। जहाँ तक प्रोफेशन का सवाल है, प्रोफेशनल्स हैं वो बहुत एम्बिशियस हो जाएंगे, मगर ज़्यादा एम्बिशियस होना भी अभी ठीक नहीं है। एम्बिशन रहेगा ये कर लूँ वो कर लूँ, तो इस टाइम आप प्लानिंग कर लीजिए। फिर हमारा आता है कि आपका जो नेक्स्ट है वो है आपका विर्गो, जो 22 अगस्त से 23 सितंबर तक है। तो विर्गो में ये खासियत होगी कि आपको अच्छा रहेगा, प्लेजर अच्छा रहेगा, जिनको सेक्स चाहिए सेक्स के लिए अच्छा है, बेड प्लेजर के लिए अच्छा है, शादीशुदा वालों के लिए भी अच्छा है, कुछ आप अच्छी चीज़ें भी खरीदेंगे इस महीने ऐसा रहेगा। मगर मगर अगले महीने अपना सेहत का ध्यान रखिएगा, स्पेशली जो हमारी महिला लोग हैं उनको ध्यान रखना चाहिए। फैमिली के लिए ये अच्छा टाइम नहीं है, डोमेस्ट फैमिली के लिए, फैमिली के वातावरण के लिए संचित पैसा होगा वो शायद आपका आपको खोलना पड़े, तो इन सब चीज़ों के लिए समय अच्छा नहीं है। फैमिली और संचित पैसा के लिए ये समय ठीक नहीं है। दोस्त वगैरह जो होंगे उनसे आपको मतलब आप ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिए, आटे में नमक बराबर आपको मिलेगा। जहाँ तक घर का वातावरण है, डोमेस्टिक पीस है, वो आपकी अच्छी रहेगी, मतलब अच्छा रहेगा, अच्छी अच्छी खुशियाँ होंगी, अच्छी बातें होंगी। जहाँ तक आपका प्रोफेशन है वो भी आपका पॉजिटिव रहेगा, इट विल मूव टूवर्ड्स पॉजिटिव साइन। बच्चों के लिए, जिनके बच्चे बाहर जाना चाहते हैं, हायर स्टडीज करना चाहते हैं, अच्छी चीज़ें करना चाहते हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। अच्छा समय नहीं है जो लोग पार्टनरशिप्स में हैं, बिजनेस में हैं, और फैमिली मतलब हस्बैंड वाइफ में जिनके तकरार चल रही है, इश्यूज चल रहे हैं, डिवोर्स की बातें चल रहे हैं, और आपका विर्गो राशि है उसके लिए यह समय निहायत ठीक नहीं है। और जहाँ तक फॉर्च्यून का है, आप बहुत बड़ा सोच बनाएंगे अपने के लिए, अपने लिए अभी के लिए नहीं, अगले साल के लिए सोच आपकी बड़ी होगी कि मैं मतलब मेरे काश ये सब चीज़ें हो जाएं, मैंने बहुत स्ट्रगल करी है, मेरे को आई शुड फॉर्च्यून शुड बी ऑन माई साइड, इस टाइप का आपका रहेगा। फिर हम लिब्रा पे आते हैं, जिसे हम बैलेंस राशि कहते हैं, और वो है 24 सितंबर से 23 अक्टूबर के बीच में जो लोग पैदा हुए हैं, आई रिपीट 24 सितंबर से 23 अक्टूबर के बीच, इसको हम लोग वृषभ लिब्रा को लिब्रा राशि में आते हैं। तो इसमें जो है ये बैलेंस वाली राशि, अपने आप को बैलेंस करके आदमी चलता है, और 24 9 23 10 के बीच में है, और इसके अंदर मैं देखता हूँ कि आपको अपनी सेहत अपनी तबीयत से 15 अक्टूबर के बाद बहुत ध्यान रखना चाहिए। अपना क्या बोलते हैं, क्या कम्युनिकेट करते हैं, किस तरह आप पेपर का काम में बहुत ध्यान रखिएगा, उसमें कोई गलती मत करेगा, उसमें आपका प्रॉब्लम हो जाएगी, ये चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है। जहाँ तक फैमिली रहेगी उसमें भी कुछ ना कुछ टेंशन या इश्यूज रहेंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी, दोस्त आपके मदद करेंगे, फॉर्च्यून आपके साथ रहेगा। जहाँ तक घर का है, आप इस टाइम लैंड प्रॉपर्टी वगैरह खरीद सकते हैं, खरीदने का योग भी है, मगर आप अपना देखते रहिएगा कि आपने उनके लिए कागज़ की कार्रवाई वगैरह ठीक करी है कि नहीं। दुश्मन बढ़ेंगे, कर्जा मेरे हिसाब से इस महीने मत लीजिए, दुश्मन मत बढ़ेंगे और कर्जा मत लीजिए, ये दो चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट है। दूसरा ये है कि अपनी वाइफ की तरफ की फैमिली में टेंशन रहेगा, कुछ प्रॉब्लम रहेंगे, बीवी के जो परिवार है उसके साथ अनबन भी हो सकती है। तो अब हम अगली राशि पे आते हैं, दिस इज अपनी जिसे कहते हैं हम स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि बोलते हैं, तो ये राशि होती है हमारी 24 अक्टूबर से 22 नवंबर तक, 24 अक्टूबर से 22 नवंबर तक जो पैदा हुए उनके लिए
ये राशि है और इसके अंदर रहेगा, इन लोगों को ऐसा रहेगा कि तो आपका रुझान रहेगा कि चलो हम प्लानिंग करते हैं, हम थोड़ा सा रिलीजियस बेंड में ज़्यादा बढ़ते हैं, और ये भी रहेगा कि जिंदगी में क्या रखा है, क्या करें क्या नहीं करें, पास्ट में आदमी ज़्यादा जाएगा, पीछे का ज़्यादा सोचेगा। मगर जो लोग साइंटिफिक वर्क में हैं, इंटेलिजेंशिया में हैं, साइंस में हैं, रिसर्च हैं, डेवलपमेंट में, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। फैमिली का वातावरण बहुत अच्छा रहेगा, आपके जो भाई बहन हैं, मित्र हैं, वो सब अच्छे करेंगे। हाँ, अपने बच्चों के लिए आप ध्यान रखें, इस समय बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, और कुछ कोई ना कोई बच्चों में कोई ना कोई परेशानी या नेगेटिविटी या बीमारी या एक्सीडेंट कुछ हो सकता है, तो उसका आप कृपया ध्यान रखिए। मैरिटल लाइफ जिनकी है वो मेरे को कुछ प्रॉब्लम लगता है, उसके अंदर कुछ बड़े इश्यूज़ भी आ सकते हैं, बड़े इश्यूज़ की नींव पड़ सकती है कि जिसमें कि प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैरिटल लाइफ जो मैं बोलता हूँ शादीशुदा भी होता है, और लव अफेयर रिलेशनशिप्स की भी बात कर रहा हूँ। जहाँ तक आपका प्रोफेशन है वो बहुत अच्छा रहेगा, थोड़ा आपको मतलब ठीक लगेगा, मगर आप ध्यान रखिए इस महीने कुछ ऐसे काम मत करेगा कि आपको अगले महीने पछताना पड़े उसके लिए। तो ये मेरा मतलब एक सजेशन है कि प्रोफेशन अभी अच्छा लगेगा, मगर इस महीने ऐसे कुछ काम मत करिएगा जल्दबाजी में जिसके आपको प्रोफेशन में अगले महीने पछताना पड़े। फिर हम लोग अपने सैगिटेरियस में आते हैं, तो सैगिटेरियस से आपका 23 नवंबर से लेकर आपका 22 दिसंबर तक सैगिटेरियस होता है, जिसे हम अच्छी राशि मानते हैं। ये इस टाइम इनका अच्छा चल रहा है, एक बैलेंस रहेगा, बच्चे फैमिली फॉर्च्यून ये तीनों में बैलेंस रहेगा, ये नहीं कि हर चीज़ बहुत बढ़ जाएगी, मगर एक संतुष्टि चारों तरफ से रहेगी और ये बहुत अच्छी चीज़ है। बच्चे के लिए प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट तभी भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, सब ठीक रहेगा। मतलब बच्चे फैमिली और फॉर्च्यून ये तीनों चीज़ें आपकी मतलब शनै शनै धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी। जहाँ तक वेल्थ है, आपका वेल्थ इंक्रीज कर सकती है, फैमिली हैप्पीनेस सॉलिड हो जाएगी, उसमें एक सॉलिड चीज़ आ जाएगी। डोमेस्टिक पीस में मेरे को प्रॉब्लम लग रही है, डोमेस्टिक हैप्पीनेस में, डोमेस्टिक मतलब घर के वातावरण वगैरह में प्रॉब्लम लग रही है, प्रॉपर्टी हुआ, गाड़ी हुआ, इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। आप दुश्मनों को विजय पाएंगे, दुश्मनों पर बिल्कुल आप निडर होके काम करिए, एनिमीज डिजीजेस डेट्स ये आपके पास कहीं नहीं रहेंगे, और यही टाइम है अपने दुश्मनों को ख़त्म करने का। और आप बड़ा सोच करिए और बड़ा हो भी जाएगा, हर कहीं हमने बोला बड़ा सोच करिए नहीं होगा, मगर आप बड़ा सोच करेंगे तो बड़ा हो भी सकता है। और ये है कि आपका जो मेरा मानना है कि सैगिटेरियस के लिए जो गेन्स होंगे, जो बिजनेस में है, प्रोफेशन के लिए अच्छा रहेगा, बट जो बिजनेस में जो गेन्स होंगे वो आपका पैसा फंसेगा, कहीं आपका हुंडी फंसेगी, कहीं कागज़ फंसेगा, कहीं सरकार के साथ फंसेगा, तो 16 अक्टूबर के बाद 15-16 अक्टूबर पर इस चीज़ का आप खास ध्यान रखिए। आपका प्रवृत्ति, धार्मिक प्रवृत्ति भी रहेगी थोड़ी सी, और जो लक है वो अभी अच्छा रहेगा, आपको बहुत बढ़िया लगेगा, महसूस लगेगा कि मैं राजा हूँ। मगर ये बात ध्यान रखिएगा कि उसको आप उस चीज़ पे आप ज़्यादा मत खेल लीजिएगा, ज़्यादा खेलेंगे तो एक दो महीने बाद आपके पास प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो ये मेरे हिसाब से सैगिटेरियस आपका सैगिटेरियस वालों के लिए। हम लोग अब कैप्रिकॉर्न पे जाते हैं 23 दिसंबर से 23 दिसंबर से करके 20 जनवरी तक होता है सैगिटेरियस का। 23 दिसंबर से 20 जनवरी तक आपका कैप्रिकॉर्न का होगा। कैप्रिकॉर्न का बहुत अच्छा टाइम है, इस टाइम आप सॉलिड होंगे, आप अच्छा टाइम आ रहा है, आप अपने डिसीशंस लीजिए, सॉलिडरिटी से काम करिए, बढ़िया टाइम है। दोस्तों से, फ्रेंड से, रिलेटिव से दूर रहिए, वो आपको धोखा दे सकते हैं। बच्चों को गलत संगति से बचाइएगा, और थोड़ा सा अपने बच्चों पे ध्यान रखिएगा, किसी का पहला बच्चा हो रहा है तो वो भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए।
जहाँ तक रिलेशनशिप्स की बात है, इस टाइम आप रिलेशनशिप्स में हो सकते हैं, तो जो लोग रिलेशनशिप्स में हैं वो अपना ध्यान रखें थोड़ा सा प्लीज़, ये बहुत ज़रूरी है। एज़ फार एज़ जो लोग प्रोफेशन में नौकरी में काम कर रहे हैं उनको अपने बॉसेस से और अपने दोस्तों से ध्यान रखना चाहिए, वो कुछ नेगेटिव हरकतें कर सकते हैं। गेन्स जो होंगे, आपको पैसा आप लगाएंगे आपको पैसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेगा, मगर गेन्स आपके कम रहेंगे। तो ये हम कैप्रिकॉर्न के बारे में कह सकते हैं। जहाँ तक एक्वेरियस है, जो जो कि 21 जनवरी से 19 फरवरी तक होता है और इसे हम कुंभ बोलते हैं, कैप्रिकॉर्न का मकर बोलते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। तो 21 जनवरी से 19 फरवरी तक है, इसमें आपका फैमिली, पैसा, इन सब चीज़ों से, इनकम टैक्स, इन सब चीज़ों से अपना थोड़ा ध्यान रखिए। और अपने अंदर अगर आप गलत भावना से काम नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। अपने अंदर अगर आप ये कहेंगे, आप सोचें कुछ करेंगे कुछ, उससे आपको नुकसान रहेगा। घर के वातावरण में एक अजीब सी खलबली रहेगी। आप गाड़ी घोड़ा ये सब खरीद सकते हैं, मगर हैप्पीनेस का मेरे को लग रहा है कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा। फैमिली मैटर्स में, मतलब रिलेशनशिप्स में आपका अच्छा रहेगा, बोथ इन लव मैटर्स एज वेल एज फैमिली मैटर्स। मगर ये ध्यान रखिएगा कि अगले महीने उसको अपने को ज़्यादा नहीं उसमें देना चाहिए, तो अगले महीने आपके प्रॉब्लम आ सकती है। फॉर्च्यून पे जा रहेगा, जो लोग ट्रैवल के बिजनेस में हैं उनके लिए नुकसान रहेगा। जो लोग सरकार से डील कर रहे हैं, जो लोग पेपर से डील कर रहे हैं, जो लोग स्टॉक ब्रोकिंग कर रहे हैं, उनका पैसा थोड़ा सा फंसेगा, आ जाएगा बाद में अगले महीने, मगर अभी फंसेगा। तो ये मेरे को एक चीज़ लगती है जिसका कि ध्यान देना चाहिए। जहाँ तक प्रोफेशन का है, आपको देखेंगे आप शनि शनि जो लोग कागज़ से काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है, मगर पैसा फंसेगा, धीरे 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 आएगा। और जहाँ तक पैसा आने का सवाल है, गेंस का सवाल है, आपके गेंस बुक बहुत हो जाएंगे मगर आने में थोड़ा टाइम लगेगा। और इस टाइम ऐसा भी टाइम है कि आप फॉरेन कंट्री से लोगों से मतलब बातचीत भी कर सकते हैं और अपने बड़े प्लान्स इंटरनेशनल, और जो लोग कंप्यूटर कम्युनिकेशन और इन सब चीज़ों में, हार्डवेयर वाली चीज़ों में, कंप्यूटर कम्युनिकेशन के हार्डवेयर साइड में है, नॉट द सॉफ्टवेयर साइड में, हार्डवेयर साइड में, उनके लिए मतलब जो भी हार्डवेयर साइड में उनके लिए अच्छा टाइम है। बाहर जाना भी कोशिश कर सकते हैं, बाहर से कॉन्टैक्ट भी बन सकता है। आखिरी में पीसेस साइन पर जाते हैं जिसे कहते हैं मीन, वो 20 जनवरी से आपके 20 मार्च तक, 20 फरवरी से 20 मार्च तक है, और पाइसेस 20 फरवरी से 20 मार्च तक है। इस टाइम जो है आपको खुद के अपने सेहत का ध्यान रखना चाहिए, प्लीज़ ध्यान रखिए अपना सेहत का। आपके डिसीशंस जो होंगे कोई मिसफायर नहीं करेगा। आपको अपने रिलेशनशिप्स में जो पहले आपको प्रॉब्लम चलेगी, इस महीने चलेगी काफ़ी प्रॉब्लम, जहाँ की आपको ईगो इश्यूज हो जाएंगे, ईगो प्रॉब्लम में रहेंगे, ईगो प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, वो अगले महीने आप प्रैक्टिकल बन के उसको रिजॉल्व कर लीजिएगा। जहाँ तक जिन लोगों का इनहेरिटेंस का इश्यूज है, जिन लोग को जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स बनाते हैं, उन सब के लिए ये समय 16 अक्टूबर के बाद 15-20 दिन का अच्छा नहीं है। सरकार से भी जो लोग काम करते हैं, ब्रोकरिंग लाइजनिंग पीछे वगैरह करते हैं, उनके लिए भी अगर आपका पीसेस लग्न है या उसके लिए, इट्स नॉट अ गुड टाइम। प्रवृत्ति रिलीजन की बढ़ेगी। और जहाँ तक प्रोफेशन का होगा और गेंस का होगा, प्रोफेशन और गेंस, ये दोनों चीज़ें आपकी सॉलिडारिटी की तरफ बढ़ेंगी। मतलब एक आप नया अध्याय शुरू करेंगे, नई प्लानिंग शुरू करेंगे और सॉलिडारिटी की तरफ बढ़ेगी, आगे की तरफ बढ़ेगी। और मैंने आपको बताया था कि यू बी बोल्ड, जो बोल्ड लेंगे आप डिसीशन, वो मिसफायर नहीं करेगा। जो मैंने बताया कि आपका पैसे का लॉस वगैरह जो लोग करते हैं एक पर्टिकुलर फील्ड में, वो उस फील्ड में इस महीने थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो इसके साथ मैंने जल्दी जल्दी ये सब बारों को बता दिया, इसमें नेगेटिव बातें और पॉजिटिव बातें दोनों बताइए। आप लोग पढ़िए और इसको देखिए और अपने कमेंट्स दीजिए और मेरे को बताइए। मेरे
वेबसाइट है shankarstudy.com, मेरी खुद की साइट है shankarraval.com, मैं बहुत सारी किताबें लिखी हैं सागर पब्लिकेशंस के थ्रू, और आप मेरे को connectingminds@gmail.com पे ले सकते हैं। प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।